वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, शारजा नज़ार शॉर्ट्स मेरा दूसरा चैनल जिसमें मैंने कहा था कि मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो डालूंगी, तो जितने लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेहरबानी करके बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना सबसे पहला व्लॉग इस चैनल पर डालने वाली हूँ। जी हाँ, तो प्लीज डोंट मिस दैट व्लॉग, ये मेरा पहला व्लॉग होगा अपनी फैमिली के साथ, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हाँ, ये तो शर्त है मेरी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नमस्ते सत श्री अकाल। तो ज्यादा यहाँ वहां की बात ना करके सीधा आती हूँ मुद्दे पर। आपकी स्क्रीन पर है बोलता हिंदुस्तान की न्यूज, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। त्रिपुरा में नाबालिग से गैंग रेप, मंत्री के बेटे का आया नाम, बचाव में उतरी भाजपा, बोले फंसाया जा रहा है। जो हमेशा से होता रहा है ना, जब ये लोग के कुछ फंसते हैं तो इन लोगों को फंसाया जाता है, और बाकी तो जैसे खुद के खुद फंसने चले आते हैं ना, बाकी तो सारे आरोपी होते हैं, और इन लोगों का नाम जब भी आता है तो इन लोगों को हमेशा फंसाया ही जाता है। बेचारे बहुत ही भोले भाले होते हैं, सच में लोग पकड़ते हैं और इन लोगों को फंसा देते हैं, है ना। आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट है, फुल रिपोर्ट। पीड़िता की माँ के बयान और FIR के मुताबिक, ठीक है, स्क्रीन पर कुछ भी एक लफ्ज यहाँ का वहां नहीं, जो लिखा है वही पढ़कर सुना रही हूँ विस्तार से। जी हाँ, पड़ोस में रहने वाली एक लड़की नाबालिग को एक पार्टी में ले जाती है, उस नाबालिग बच्ची को, वो एक लड़की जो है पड़ोस में वो रहती थी, उस नाबालिग बच्ची को एक पार्टी में ले जाती है जो किराए के लिए गए फ्लैट में आयोजित की गई होती है। वहां पर कोई नशीली पदार्थ पिलाकर, जैसा कि आम होता ही है, नशीली पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक यानी कि गैंग रेप किया जाता है। मामले में पुरुष अभियुक्तों के साथ पड़ोस की इस लड़की को भी आरोपी बताया जा रहा है। विपक्ष दलों का कहना है कि मामले में मंत्री भगवान दास के का बेटा शामिल है, क्योंकि जिस फ्लैट में वो पार्टी आयोजित की गई थी ना, ये फ्लैट की बुकिंग इसी ने की थी, मगर इससे पूछताछ नहीं की जा रही है। कैसे की जाएगी पूछताछ, समझने वाली बात है ना। 11 आरोपी बिल्किस बानो की बलात्कारी, है ना, वरमाला पहनाते हुए, आशीर्वाद देते हुए, मिठाइयां खिलाते हुए बाइज्जत बरी की जाती है और संस्कारी का टैग दिया जाता है, तो भैया इनसे पूछताछ कैसे होगी, है कि नहीं, ये समझने वाली बात है कि नहीं, बताइए जरा। हाँ, इतनी बड़ी गुस्ताखी कौन कर सकता है कि नेता के बेटे जिसे सवाल और पूछताछ कर ले, है ना, जरा अपनी हैसियत औकात देख कर बात किया करो भैया। कांग्रेस नेता आशीष साहा का कहना है कि मामले में मंत्री के बेटे का नाम आ रहा, इसलिए हम इस पर मुख्यमंत्री मानिक साहा का बयान चाहते हैं, साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी करते हैं। तो बस अब यही होगा, जब आरोपियों और बलात्कारियों को जो है बाइज्जत बरी किया जाएगा, और मैंने अभी जैसे कहा कि संस्कारी का टैग देते हुए, तो यही होगा, इस तरह से बलात्कारियों को बचाने के लिए अब देश में मुहिम चलाई जाएगी और मोर्चे निकाले जाएंगे, और गैंग रेप करने वालों को इसी तरह से बचाया जाएगा, बिल्कुल उनसे पूछताछ बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि उनको संस्कारी का टैग दिया जाएगा। जी हाँ, और यहाँ तो भाई सोने पर सुहागा वाली बात हो गई कि बीजेपी का खुद का बेटा, बीजेपी नेता का खुद का बेटा शामिल है, तो भैया उस पर वो आरोपी हो कैसे सकता है, जरा बताइए, नादानी की हद होती है। तो जैसा कि आप बगल में देख सकते हैं, एक हिंदुस्तानी मैडम है, अपने आप को हिंदुस्तानी कहती है, ये है हिंदुस्तानी, मतलब नफरत की आग लगाकर अपने खुद के हिंदुस्तान को ये तबाह वो बर्बाद कर रही है, और अपना टाइटल रखती है हिंदुस्तानी, थूकती हूँ तुम जैसे हिंदुस्तानियों पर, बात समझ आ रही है। तो ये मैडम जो है ना, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे मेरी जो वीडियो होती है उस पे आकर जो है बराबर से मुसलमान वाली जो टॉपिक होती है उसको लाती है, और मेरी आईडी पर अपना गोबर गलाजत बराबर से चिपका कर जाती है, जबकि मैंने इनको कई बार समझाया कि भैया जो भी आरोपी हो धर्म जात मत देखो, आरोपी जो है उसको सजा मिलनी चाहिए उसके जुर्म के हिसाब से, उसने जो जुर्म किया है उसके हिसाब से उसको सजा दिलवाओ, धर्म ना देखो। लेकिन ये मैडम जो है ये बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है, इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम फसाद करना है और हिंदू मुस्लिम नफरत की आग को भड़काना इनका मकसद है। इस पागल औरत और इस गंदी नाली के कीड़े को मैंने कई बार समझाया, लेकिन ये समझने को राजी नहीं है। ये आएगी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी के वीडियो पर अपना जो है ढेर सारा गोबर, ढेर सारा, जैसे आप देख ही रहे कमेंट इनका, ढेर सारा गोबर गलाजत उगल के चली जाएंगी, जबकि इनके पापा ने जो है
ढेर सारा शौचालय बनाया है, ये वहां जाकर अपना गोबर नहीं निकालेंगी। इनको अपना गोबर निकालना है तो कमेंट बॉक्स में, जी हाँ मेरे कमेंट बॉक्स में। तो इसके इसका जो कमेंट आप देख रहे हैं ना, इसकी लंबी चौड़ी लंतरानी पढ़ने का मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, क्योंकि जो है गोबर, मैंने बोला ना गोबर, बस इसने भाई गोबर उगला है और कुछ नहीं है। और अगर किसी को पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इन जैसों का जो है ये कमेंट पढ़ने का मेरे पास बिल्कुल ना फुर्सत है और ना मैं इन जैसों को अहमियत देती हूँ। अब आप बोलेंगे मैंने जब पढ़ना ही नहीं था इसका कमेंट तो चिपकाया क्यों, अब मैं किसी के बारे में बोल रही हूँ तो सबूत चाहिए होता है ना लोगों को, है ना, सबूत चाहिए होता है, तो सबूत के तौर पर दिखाना पड़ता कि ये है इनका कमेंट, तो इसलिए मैंने चिपकाया, वरना मैं तो हाँ वो करने वाली थी। अब आपके सामने एक मंत्री जी का कॉल रिकॉर्डिंग है जो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ, जी हाँ, और बहुत ही जबरदस्त और सुनहरे अल्फाज उन्होंने कहे हैं। मैं क्या ही बोलूं, मैं तो अपने अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ आपको उनका कॉल रिकॉर्डिंग, उन्हीं की जबानी और उनके अल्फाज सुनाऊंगी, और इस मामले में मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगी, इसलिए आपको उनका कॉल रिकॉर्डिंग जो है बड़े ध्यान से सुनना होगा जी। सुनिए। विधायक जी नमस्कार, आदेश बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते आदेश, बताओ। विधायक जी, पंडितों में और उसमें तो बड़ा भारी विरोध चल रहा है और जाट भी हमें वोट नहीं दे रहे, तो चुनाव थोड़ा मुश्किल लग रहा है निकलना, और ये त्यागियों ने भी बैठक की है कोई स्वदेश के लिए, और सुनने में आया कि ठाकुर भी नाराज है हमसे और गुज्जर भी नाराज है, और क्षेत्र में मंजू सिवाज मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं, तो कैसे लड़ेंगे चुनाव? अरे सब हो जाएगा, अपना चुनाव हिंदू मुस्लिम बनाओ, हिंदू मुस्लिम बनाओ और चाटों पर ध्यान दो, बाकी सब तो बीजेपी के दरी बिछाने वाले हैं। यह त्यागी पंडित और ठाकुर तो बीजेपी के चमार कहा जाता है, ये तो बीजेपी के चमार और दरी बिछावा है। बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो धक्के खाते मरेंगे ये लोग, उनसे कुछ होना जाना है नहीं, तुम तो चाटों पर ध्यान दो और हिंदू मुस्लिम करो, बाकी सब हम देख लेंगे, और ये सब बातें आदेश फोन पर मत किया करो। चलिए चलिए नमस्ते। हाँ तो देख लिया सबूत, क्योंकि सबको आज के दौर में आप कुछ भी बोले सबूत चाहिए होता है, और बहुत ही जरूरी है, अगर आप अपनी कोई बात रख रहे हैं सामने तो एक परफेक्ट सबूत के साथ दीजिए, ताकि अगला आपसे दोबारा पलट कर सवाल ना कर सके, है कि नहीं, है ना। तो इंट्रोडक्शन करवा दूं जरा आपकी, ये है बीजेपी के नेता डॉक्टर मंजू शिवाज, जो कि मोदी नगर की विधायक हैं, और ये जो फोन में वार्तालाप हो रहा है ना, ये इनके कार्यकर्ता हैं, जो वोट ना मिलने पर और वोट हारने पर जो है इलेक्शन हारने पर डिस्कशन हो रही। कितने खूबसूरत तरीके से दोनों ने डिस्कशन की, आपके सामने ये है ना, कितने खूबसूरत अल्फाज बोले, क्या तारीफ करूं, मतलब मेरे पास तो अल्फाज कम पड़ रहे हैं कि कितने ऊंचे दर्जे के विचार हैं इन लोगों के, है कि नहीं, है ना। तो समझो बात को, अभी भी हर तरफ प्रूफ और सबूत आपके सामने रखती जा रही हूँ कि किस तरह से ये जो नेता लोग है ना, अपने फायदे मुफाद और अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग पाले हुए हैं, और हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाने वाले लोग पाले हुए हैं, ताकि ये लोग जो हैं हर जगह जाकर हिंदू मुस्लिम फसाद को बढ़ावा दें, लोगों में नफरत को फैलाएं, और जो है अमन सुकून देश का बर्बाद करें। और इनकी बातों में कौन आ जाते हैं? हम लोग आते हैं, हम लोग आ रहे हैं, तभी तो इन जैसे नेता सक्सेस हैं और इन जैसे नेताओं को कुर्सी मिल रही है, क्योंकि हम लोगों की गलती है कि हम लोग कान के कच्चे हैं, जबकि सबूत हम लोगों के पास है, तब भी हम लोग जो है इन जैसे नेताओं को चुन रहे हैं, जो हमारे बीच में दरार और हमारे बीच में नफरत फैलाने का काम बखूबी अंजाम दे रही है, और सबूत आते जा रहे हैं, तब भी हम लोग अकल के अंधे और आंखों पर पर्दा पड़ा है। तो ऐसे गंदे नफरत फैलाने वाले और फसाद फैलाने वाले, मुल्क का अमन सुकून बर्बाद करने वाले नेता, जो सक्सेस इनको मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम लोग हैं बस। और ये जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट चिपकाया था ना, एक हिंदुस्तानी मैडम का, हाँ, तो ये उन्हीं लोगों में से जो इनके इन नेताओं के जो पालतू है ना, उन्हीं में से ये एक मैडम है। और ऐसे ऐसे गटर के कीड़े भरे पड़े हैं, सिर्फ एक बार आप गटर ऐसे खोलिए तो ऐसे 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 करके निकलेंगे, इतने सारे हैं, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि इन लोगों की तादाद कितनी है, हद से ज्यादा। तो मेहरबानी करके कान के कच्चे मत बनिए, अपनी अकल जरा देखिए, खुली आंखों से देखिए, और इंसाफ और सच को जानिए और उस पर अमल कीजिए, ना कि ऐसे दोगले नेताओं की बातों में आइए। वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों की असलियत सामने आनी जरूरी होती है। तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो शाहजहां शॉर्ट्स, जिसमें मेरे सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो आएंगे,
और दूसरा ये है शाज़ा नज़ार ऑफिशियल, जिसमें मेरे लॉन्ग वीडियोस आएंगे। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।